हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के इंट्रोडक्शन को, और मेनली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने एसिडी फायर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इस यूनिट की जो है 4 वीडियो बनेंगी और 4 वीडियो में हमारी यूनिट 3 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स है, ठीक है, उसको समझने से पहले हमें जो है समझना होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इसको आप लोगों ने GIT के नाम से बहुत बार सुन रखा होगा। ठीक है, तो GIT का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो देखो जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, यानी यहीं पे हमारे फूड का पूरा डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो अभी इसका हम लोग यहाँ पे फिगर भी देखेंगे, बट थोड़ा सा चलो फिगर से ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा माउथ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा माउथ, और माउथ से शुरू होकर फिर ये हमारा ईसोफेगस से होते हुए फिर हमारा जो है स्टमक से होते हुए फिर इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जो है यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो है एनस पे जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी सिंपली बात करें तो देखो सबसे पहले फूड हमारा जो है हम लोग मतलब मुँह से खाते हैं ना, तो यहाँ से इंटर करता है। ठीक है, फिर यहाँ से होता होता, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फूड का, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनस से हमारी बॉडी से फूड जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है GIT होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अगर देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन, ठीक है, और उसका एक्सक्रीशन यानी कि डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी यहाँ पे पूरा हमारा जो है GIT करता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारा कहाँ है, मुँह से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पे एनस पेंड हो जाता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे GIT है, ठीक है, इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, तो ये हमारे GIT के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा GIT है, ठीक है, जब भी इसके फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो दवाएं देते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हमारे ऐसे दवाएं होती हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्यों देते हैं, जब हमारी जो है GIT में जो है कोई गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें जो है 4 तरीके की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट को पढ़ना है। ठीक है, पहला हो गया हमारा एसिडिफायर, दूसरा हो गया एंटासिड, थर्ड हो गया कैथार्टिक्स, और फोर्थ हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो मेरी बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक एसिड, जो कि कौन सा होता है, HCl, और HCl अगर आप लोग को पता हो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, यानी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमें जो है एक बहुत ही खतरनाक एसिड देखने को मिलता है, और अगर यही HCl आपके हाथ वात पे गिर जाए, ठीक है, तो ख़त्म काम। ठीक है, वहाँ काम ख़त्म हो जाएगा। तो यार यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा HCl है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी गिरेगा तो हमारी बॉडी की पूरी हालत ख़राब हो जाएगी, पूरी हमारी बॉडी जल जाएगी। ठीक है, बहुत स्ट्रांग एसिड होता है HCl, हमारा वन ऑफ द सबसे स्ट्रांग एसिड होता है। तो भाई ये हमारे पेट के अंदर कैसे रह रहा है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, और हमारे पेट के अंदर इसका काम क्या है। तो देखो सबसे पहले काम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे तोड़ने का काम, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो क्या करता है, खाने को गला देता है, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये एसिड हमारा आखिर जो है स्टमक में कैसे रहता है और कैसे हमारे स्टमक में नुकसान नहीं होता है। तो देखो इस चीज़ का आंसर आप लोग को आज की वीडियो में मैं नहीं दूंगा, इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। ठीक है, बाकी इतना आप लोग समझो कि यहाँ पे हमारा एसिड होता है। अब एसिड मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि अब देखो यहीं से आती है हमारी दो प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो एसिड है उसका जो लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी एसिड हमारे स्टमक में बनना बंद हो जाए, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा कम हो गया है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एसिड कुछ ज़्यादा ही बनने लग जाए, ठीक है, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो दोनों चीज़ें नहीं सही हैं, है ना, अगर कम बनेगा तो खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो भाई एसिड है ना, हमारे पूरी बॉडी को ख़राब कर सकता है। तो मतलब एक लिमिट में रहे वही अच्छा है। अब रहता कैसे है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आप लोग समझ गए ना यहाँ पे हमारी दो प्रॉब्लम कि एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, लो हो जाए, है ना, लो, और एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे हाई हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना,
जब हमारा यहाँ पे एसिड लो हो जाएगा तो हम लोग जो दवाएं देंगे वो कौन सी होगी, एसिडी फायर, जिसको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एसिडी फायर, देखो एसिडी फायर यानी एसिड को फायर यानी एसिड को बढ़ाने वाला, ठीक है। और जब हमारा एसिड यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है, यानी एसिड के अपोजिट में, देखो एंटा यानी कि एसिड को कम करने वाली दवाएं, ठीक है। तो अगर एसिड बढ़ गया हमारे स्टमक में तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड, ठीक है। और अगर एसिड जो है कम हो गया तो कौन सी दवा देंगे, एसिडी फायर। अब हमारी जो दो और दवाएं आती हैं, तो एक होता है हमारा यहाँ पे कैथार्टिक्स और दूसरा होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, बेसिकली कह सकते हो कि जब हमें जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे हमारी बॉडी से स्टूल वगैरह अच्छे से पास नहीं हो पाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को स्टूल वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च करके देख लो, ठीक है, स्टूल और या फिर फीकल मैटर, तो इन सारे नामों से आप लोग पता करके देख सकते हो, ठीक है। तो उतना आप लोग देख लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, कब्ज की, है ना, तो क्या होगा कि स्टूल जो है अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग जो दवाएं देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथार्टिक्स, ठीक है, अगर हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चारों दवाओं का जो हम लोग को इस पूरे यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो हमें कौन सी दवाएं देनी है, कैथार्टिक्स, ठीक है। और अगर अगर मान लो ये जो हमारा पूरा का पूरा हमारा ये जो GIT है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें कोई भी मान लो इन्फेक्शन वगैरह हो गया कहीं पे भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे या फिर स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में कहीं पे भी मान लो अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तब हम लोग जो दवा देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमें जो है इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कहाँ पे, GIT में, तो कौन सी दवा देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो यही चारों को हम लोग को अपने इस पूरे यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। पहला कौन सा, एसिडी फायर, एसिडी फायर कब देंगे, जब एसिड यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। एंटासिड कब देंगे, जब एसिड हाई हो जाएगा। कैथार्टिक्स कब देंगे, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कब देंगे, जब यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए, बस इतना ही है इस यूनिट में, ठीक है। बस अब इन चारों को हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे कि जो हमारा GIT है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि पहला हो सकता है कि इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ एसिड यानी कि एसिड हमारी बॉडी में कम बनने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कौन सी दवा देंगे, एसिडी फायर, ठीक है। और अगर मान लो एसिड का सेक्रेशन टू मच हो गया तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, यानी एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हम लोग इसको क्योर करने के लिए कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है। और अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो कौन सी दवा देंगे, कैथार्टिक्स। और अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ हुई तो कौन सी दवा देंगे, गैस, वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, है ना। बस बहुत ही सिंपल है यार, देखो, ठीक है, ये हमारी जो यूनिट 3 है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो इसके अंदर जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो तो बहुत ईजी है, बस इसके अंदर कुछ दवाएं हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे केमिकल कंपाउंड है उनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमारे ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस या फिर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, ठीक है। और ये हमारे बेसिकली चार टाइप के हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एसिडी फायर, इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपोक्लोरहाइड्रिया में, ठीक है। एंटासिड्स, इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपर एसिडिटी में। कैथार्टिक्स, इसको हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्टिपेशन में। और फोर्थ हमारा एंटी माइक्रोबियल, इसको हम लोग यूज करेंगे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अपने एसिडी फायर्स को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसिडी फायर की, तो देखो एक बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही चुके हो, ये क्या करेंगे, हमारे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को जो है बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा जो है हमें एग्जाम में थ्योरी वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये सब चीज़ें देख लो, जैसे कि जो ये हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इस नाम से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखो या तो ये क्या करेंगे कि या तो ये एसिड को प्रोड्यूस करेंगे और या तो उसका जो लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एसिड जो है अलग से प्रोड्यूस करें या फिर जो है उसी को बढ़ाएं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये काम कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग द pH ऑफ स्टमक। अब आप लोग को पता है कि एसिड क्या होता है, उसका pH यहाँ पे लो होता है,
तो अगर हमारे स्टमक का पीएच यहाँ पे लो कर दिया गया तो क्या होगा, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद देखो ये हमारे जो है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, हम लोग को पता है। देखो एक्लोरहाइड्रिया हाइपोक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या हुआ कि एसिड का जो है कम हो जाना, ठीक है। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एसिड बिल्कुल बहुत ख़त्म ही हो जाना, ठीक है, और हाइपो में कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो हमारे स्टमक के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन और डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे किल करने का काम करता है। और उसके बाद देखो हमारे कुछ कुछ जैसे हमारे डाइजेशन के लिए कुछ कभी कभी जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो उसको भी प्रोवाइड करने का काम हमारा यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स की, तो बेसिकली हमें जो है तीन टाइप के एसिडिफायर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर, दूसरा होता है यूरिनरी एसिडिफायर, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे सिस्टमिक एसिडिफायर। अब देखो इन तीनों को भी बहुत ही सिंपली समझो, तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे स्टमक के पीएच को यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है, यानी कि कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। और यूरिनरी एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे यूरिन के पीएच को बैलेंस करेगा। और सिस्टमिक एसिडिफायर क्या करेगा, ये हमारे पूरे बॉडी के पीएच को यहाँ पे बैलेंस करेगा। बेसिकली आप लोग कह सकते हो बैलेंस नहीं करेगा हमारे बॉडी में, जैसे एसिड का लेवल कम हो गया तो एसिड को जो है दोबारा से नॉर्मल करने का काम करेगा, है ना। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, स्टमक के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, हमारे स्टमक के एसिडिटी को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। और मेनली यहाँ पे इसको जो है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उनको एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम हुई तो हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर की, तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे यूरिन के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो है एसिडिक यूरिन को यहाँ पे रिमूव करने का काम करता है। अब देखो जो हमारे यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यहाँ पे क्योर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यूटीआई का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुन रखा हो, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है यूरिनरी एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अब अगर आप लोग को यूरिन नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लो, ठीक है, क्या होता है, ओके। और सिस्टमिक एसिडिफायर्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे सिस्टमिक एसिडिफायर है, ठीक है, ये करते क्या है, ये बेसिकली हमारे जो है, जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्कलाइन पीएच हो गया, यानी हमारी बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है उस बेस को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जैसे कि सिंपली समझो, आप लोग को पता है ना बेस और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। तो मान लो अगर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बेस अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग अगर एसिडिफायर को देंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बना देगा, सॉल्ट, है ना, और वाटर। तो कुल मिलाकर क्या करेगा, इस बेस को यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है ये काम आता है। और उसके बाद ये जो है बेसिकली जो भी पेशेंट है यहाँ पे एल्कलोसिस, एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है, एल्कलोसिस हमारी एक कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है सिस्टमिक एसिडिफायर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें हमारे एसिडिफायर्स के अंदर हमें जो है दो ड्रग्स को पढ़ना है, जिसमें पहला हमारा अमोनियम क्लोराइड और सेकंड है हमारा यहाँ पे डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया NH4Cl, मॉलिकुलर वेट हो गया इसका 53.49 ग्राम पर मोल, ठीक है। और साइनोनिम इसका होता है यहाँ पे साल अमोनिया, ठीक है, देखो सॉल्ट नहीं है, सॉल है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने HCl और अमोनिया यानी NH3 की रिएक्शन से जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो NH3 और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमें जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ये हमारा बेसिकली ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा सा इसका जो है कूल सेलाइन टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी होता है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है, जैसे जैसे मेथनॉल, जैसे पुदीना होता है ना, उसका थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, तो इसका भी थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी अगर इसको खुले में रखोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही वाला है, ठीक है, जब NH4Cl को आप लोग जो है डिकम्पोज करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया और
HCl में। देखो वही वाली रिएक्शन उल्टी हो गई है ना। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सीडिफायर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की तरह भी इसको यूज करते हैं, और जो हमारी ग्लू है ठीक है तो उसके प्रिपरेशन में भी यूज होता है, और जो हमारे बफर सॉल्यूशंस हैं तो उसमें भी हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड जो है हमें देखने को मिलता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड ड्रग की, ठीक है, तो ये है हमारा डाइल्यूट HCl। देखो डाइल्यूट HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइल्यूट का मतलब क्या है कि आप लोग समझो कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, HCl उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो हमारा HCl ही होगा, ठीक है। मॉलिकुलर वेट की बात करें तो कितना होता है, 36.46, और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने NaCl और H2SO4 की रिएक्शन से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं ना। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा एक जो है कलरलेस लिक्विड होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है, हमें पता है HCl हमारा बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वाटर में भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा पंजेंट ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो हमारा HCl है वो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या देता है, NaCl, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यही वाली रिएक्शन देखी होगी, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है, हर जगह देखने को मिल जाती है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर की तरह भी यूज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी यूज करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वेंट्स में जो है हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी यहाँ पे जैसे दवाओं की प्रिपरेशन होती है तो उसमें यहाँ पे HCl जो है सहायक होता है, ठीक है। एड का मतलब होता है सहायक, यानी कि आप कह सकते हो कि HCl जो है उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने एंटासिड्स के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।